नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल चुकू यूट्यूब के माध्यम से आज आपको कुचला के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुचला आयुर्वेद का बड़ा पुरातन आयुर्वेदिक औषधि है जो होम्योपैथ में नक्स भूमिका के नाम से काम में ली जाती है और आयुर्वेद में कुचला के नाम से ली जाती है। इसका वृक्ष होता है, एक कुचला लता भी होती है। आजकल ये बहुत कम हो गया है, कुचला के पेड़ जंगलों में बड़े मुश्किल से मिलने लगे हैं, इसलिए इनका भाव भी बहुत बढ़ गया और अच्छा भी नहीं मिलता। तो जब भी आप कभी कुचला लें बाजार से, तो ऐसा बड़ा कुचला होना चाहिए, मोटा इस तरह से कुचला होना चाहिए, फूला हुआ, क्योंकि अगर बिल्कुल चपटा कुचला लोगे तो उसमें कुछ निकलता नहीं है और कुछ दवाइयाँ उसमें होती नहीं। अच्छा मोटा ऐसा फूला हुआ कुचला हो वो औषधि कार्य में अच्छा युक्त होता है, अच्छा माना जाता है कुचला। देखो मित्रों, कुचला बहुत सारे रोगों में काम में आता है। आयुर्वेद में होम्योपैथ में तो ऐसा बोलते हैं जिसमें कोई रोग समझ में नहीं आ रहा उसको नक्स भूमिका 30 बूंद दे दो तो वो रोग ठीक हो जाता है। पर हमारे आयुर्वेद में कुचला जो काम में आता है ये शरीर के करीब करीब समस्त रोगों में काम में आता है। ये दमा में काम में आता है, लकवा में काम में आता है, अर्थराइटिस कोलाइटिस में काम में आता है, पेट का जो रोग है अग्निमंत जिसको भूख नहीं लगती उसमें काम में आता है, और आपके हृदय की गति जिसकी धीमी हो जाती है बुढ़ापे में उसमें काम में आता है, अष्टमेतुन की नपुंसकता को दूर करने में काम में आता है, जनरल नपुंसकता को दूर करने में काम में आता है, और आंतों का रोग हिस्टीरिया गठिया बात, ये समस्त रोगों में कुचला बड़े पुरातन काल से उपयोग होता चला। इसको ये विष है, उपविष बोलते हैं इसको, जैसा बछराग है, कुचला है, धतूरा है, आपके गुंजा है, ये सब विष हैं। इनका अगर शोधन कर दिया जाए तो ये अमृत हो जाते हैं। इसकी शोधन करने की 2-3 विधियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। गौमूत्र में इसका शोधन होता है, बछिया का, छोटी बछिया का गौमूत्र में ला के शाम को इसको डाल दीजिए, सवेरे इसको निकाल के सुखा लेना है, गौमूत्र फेंक देना है, दूसरे दिन शाम को गौमूत्र ला के फिर डाल दीजिए, फिर रात भर पड़ा रहेगा, ऐसा 14 दिन लगते हैं इसको, 7 दिन सुखाना, 7 दिन डालना, इसके बाद इसको निकाल के 1 घंटे तक गाय के दूध में डाल के थोड़ा सा गर्म कर दो तो ये पूरा शोधित हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया शोधित हो जाता है। फिर इसको बीच में से ये छिलका ऊपर का हटा के इसको बीच से 2 भाग कर लेते हैं, 2 दल होते हैं इसमें, इसके बीच में एक मुँह के साथ कमल होता है, उसको निकाल के फेंक दीजिए, वो गर्म होता है उसको फेंक देते हैं, एक विधि तो ये होगी। दूसरी विधि क्या करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, जब ये फूल जाता है तो छिलका अलग कर देते हैं, बीज की बीजी को निकाल के अलग कर देते हैं, फिर गाय के सुधरी में इसको अच्छा फूल लेते हैं, गुलाबी जब ये फूल जाता है गरम गरम ही इसको पीस लेते हैं, तो फिर ये बहुत कड़क हो जाता है, एक दूसरी विधि ये होगी। तीसरी एक और विधि क्या है कि 1 पाव कुचला, 1 किलो मुल्तानी मिट्टी और 4 किलो पानी डाल के रात भर रख दीजिए, सवेरे इसको 15-20 मिनट उबाल लें, इसके बाद कुचले को पानी से धो लें, वही विधि है, छिलका निकाल के 2 भाग अलग करें, बीज का भाग निकाल के इसको निकाल के पीस लेते हैं, ठंडा हो जाता है, औषधि गुण बढ़ जाते हैं, इसकी उष्णता खत्म हो जाती है। तो ये एक कुचला हो गया शोधित। अब इस कुचले को लकुआ में कैसे उपयोग करें, देखो मित्रों, कुचला कभी भी सीधा उपयोग नहीं किया जाता, जब भी ये उपयोग किया जाएगा किसी औषधि के साथ ही किया जाएगा, और लगातार इसका उपयोग कभी नहीं करते हैं, रोगी का शरीर देख के और रोग देख के उपयोग करते हैं। तो 7 दिन इसका उपयोग करना है, फिर 7 दिन रोकना है, फिर 7 दिन उपयोग, लगातार इसका उपयोग नहीं किया जाता आयुर्वेद, और मात्रा का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए कुचला आयुर्वेदाचार्य के देखरेख में दिया जाए तो मैं बेहतर समझता हूँ कि होना चाहिए। कुचले को मैंने जैसा बताया, इसको गाय के घी में भून लेते हैं, फिर इसमें 50%, मतलब अगर ये 100 ग्राम है तो 50 ग्राम शुद्ध बछनाग भी ऐसी शुद्ध की जाती है, बछनाग का शोधन कर लेते हैं, दोनों को मिला लिया, और अदरक के रस में 1/2 पाव अदरक के रस में इसका खूब खरल करते हैं, जब तक ये पूरी अदरक का रस शोषित नहीं कर ले। इसके बाद चने के बराबर गोली बना लीजिए, 1 गोली सवेरे, लकुआ देख के ज़्यादा लकुआ है उसको तो 3 गोली दिन में 3 बार देना है, कम है तो 2 बार देना है, और कम है तो 1 बार देना है। कंपवात है, वात रोग है, जोड़ों का दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो फिर इसको जो है
उस हिसाब से इसको एक एक गोली या दो गोली देते हैं, तो जिससे ये इस तरह के रोग, वात रोग, अंपवात रोग, लकवा ठीक हो जाता है। पेट के लिए क्या करते हैं, पेट के लिए जो जिसकी पेट की आंतें कमजोर हो गई हैं उसको भूख नहीं लगता है, तो भूख नहीं लगने के लिए इसको क्या करते हैं, इसका चूर्ण और थोड़ा सा इंद्रायण का चूर्ण, 90 ग्राम ये है तो 10 भाग इंद्रायण का चूर्ण ले लें और उसको थोड़े से एलोएन आपका एलोवेरा, एलोवेरा में घोल के इसकी छोटी छोटी गोली बना दीजिए, गोली को छाया में सुखा लें और गोली को छाया में सुखाने के बाद एक एक गोली सुबह शाम देंगे तो पेट का आँव, भूख नहीं लगना, इस तरह के जो रोग हैं, लीवर खराब हो गया हो जिसके पेट में, जिसके पानी भर जाता हो, लीवर खराब हो जाने के बाद पेट में पानी भर जाता है उसको पंडु रोग बोलते हैं, पंडु रोग में भी ये इस तरह से इसकी गोली दी जाए, मैंने बहुत सारे रोगी ठीक किए हैं तो ये उसमें बढ़िया काम करता है, पीलिया में भी ये अच्छा काम करता है, अपना दर्दनाशक तेल उठा लो तो ये काम आता है। इसी प्रकार से बुखार, जब अगर मान लीजिए बुखार आ रहा हो, अब ये काम आएगा आपको, ये ठंडी गर्मी ये जो बरसात का नाना प्रकार के बुखार आएंगे उसमें ये बना के रख लें, एक गोली सवेरे, एक गोली, एक एक गोली अगर खाएंगे तो आपको बुखार आएगा ही नहीं कभी, और बुखार अगर आ गया है किसी भी प्रकार का तो एक गोली सवेरे एक गोली शाम को अगर 3 दिन खिला दो तो किसी भी प्रकार का बुखार ये जड़ मूल से नष्ट कर देगा। इसके बाद हृदय की नाड़ी, जिसकी नाड़ी कम चलती है, बुढ़ापे के बाद नाड़ी कहीं 45 चलेगी, कहीं 50 चलेगी, कहीं 70 चलेगी, जिसका खून गाढ़ा हो जाता है तो नाड़ी धीरे चलने लगती है, आदमी सुस्त हो जाता है, उस प्रकार के रोग हृदय मंद बोलते हैं इसको, उसके लिए एक गोली सवेरे एक गोली शाम को इसके साथ इसी प्रकार से बना के इसको देना है, इसी प्रकार से बना के देना है तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। 7 दिन दीजिए, 7 दिन रोकिए, फिर 7 दिन ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को छान के अलग कर देगा। किडनी में किसी प्रकार का रोग हो गया हो तो किडनी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब जिनके नपुंसकता आ गई है, जिनको हस्तमैथुन के कारण, तो हम जो दवा बना के देते हैं तो 1 भाग कुचला और 6 भाग शुद्ध हिंगुल भाषु, इन दोनों को मिला के एक गेहूं के दाने के बराबर, अगर ज़्यादा रोग है तो चने के दाने के बराबर गोली देते हैं, एक गोली सवेरे एक गोली शाम को इसको खाइए तो आप किसी प्रकार की नपुंसकता को ये जड़ मूल से नष्ट कर देता है। अगर लिंग में टेढ़ापन है तो उसके लिए तेल अलग से फिर देना पड़ता है। इसके साथ जायफल और जावित्री जरूर देना चाहिए, क्योंकि पेट जिसका खराब रहेगा हमेशा उसको ये समस्या आएगी, नपुंसकता की समस्या आएगी, जिसका पेट खराब है उसको ये आएगा, और जिसका पेट खराब ही है अब देना कितनी चने के दाने के बराबर देना है और पेट आपका खराब है तो वो दवा पता ही नहीं चलती कहाँ चली जाती, फिर आप बोलते हो कि वो तो दवा लगी नहीं, वैद्य लोगों को बदनाम होते, तो वैद्यों को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिनको ये समस्या है उसको पहले पेट साफ करने का चूर्ण दीजिए। मैं जो भी इस तरह के रोगी उनको पेट साफ करने का चूर्ण पहले देता हूँ, नहीं तो जैसे गंदे कपड़े से रंग नहीं चढ़ता वैसी इसका भी काम नहीं होता। तो मित्रों इतनी सब चीज़ें इससे बनती है, इसका तेल बनाया जाता है, इसको बारीक पीस के कूट के और पानी में उबाला जाता है, जब पानी में उबल जाए कम से कम 5 लीटर पानी उबल के 1 लीटर बच जाए तो फिर सरसों के तेल में इसको डाल देते हैं उस पानी को और उसको अच्छा उबलने देते हैं, जब वो अच्छा उबल के थोड़ा सा बचता है पानी पूरा जल जाए तेल बचे उसको छान के रख लेते हैं, इस तरह से जोड़ों के दर्द का तेल बनता है। साइटिका हो, पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, किसी भी प्रकार के दर्द को, नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है कुचला, तो इस तरह का जो तेल बनता है ये तेल समस्त रोगों में, जोड़ों के दर्द में, साइटिका में, और जो कमर में दर्द होता है, जिनके पीठ में दर्द होता है, पुरानी जो चोट है बरसात के दिनों में उभर के आ जाती हैं, छाती पसलियों में दर्द होता, किसी भी प्रकार के दर्द को अगर इस तेल को लगा कर सेकना पड़ता है 15 मिनट गुनगुने पानी से गीला कपड़ा करके सेकेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में बिल्कुल विधिवत आराम हो जाता है। पैरों में अगर सूजन आ गई है, वात रोग से सूजन आ गई है, घुटनों में सूजन आ गई है, उसमें भी ये तेल बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से मित्रों ये कुचला का पूरा विवरण था, तो बहुत सारे मित्रों ने हमसे पूछा था, तो देख लें आप इससे एक बार इस कुचले को, सब लोग जानते हैं कुचला अमृत औषधि है आयुर्वेद की, पर इसको थोड़ा इस्तेमाल भी इसको संभाल के करना चाहिए और पूर्ण रूप से शोधित बिना इसका प्रयोग
नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये होता कुछ नहीं, मरता नहीं है आदमी, मगर चक्कर आएगा, बीपी बढ़ जाएगा, इसलिए इसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अनिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको कुचला के बारे में बता दिया। ये तेल भी है हमारा जो हम बनाते हैं, बहुत जाता है ये तेल, तो आप लोग देखें, अपने घर पर बनाएं इसको, उपयोग करें। नमस्कार मित्रों।